तो दोस्तों भाइयों, जैसा आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे मैं रील्स प्ले कर देता हूँ। ये रील्स मैंने अभी रिसेंटली डाला है। आपको सेकेंड रील प्ले करके दिखाता हूँ जो कि ट्रेंड है इंस्टाग्राम पे। और ये रील्स आप कैसे बना सकते हैं इसका मैं ट्यूटोरियल भी अपने इंस्टाग्राम वीडियोस पे डालते रहता हूँ। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल देखना है तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करें, मैं वहाँ और DM करें, मैं आपको डायरेक्ट कैपकट लिंक दे दूंगा जहाँ से आप ऐसी ट्यूटोरियल वीडियोस बना सकते हैं या अपने रील्स बना सकते हैं और वायरल हो सकते हैं। इस पे दोस्तों 106 लाइक आए हुए हैं रिसेंटली। भाई अगर जींस की कंपनी जींस में पॉकेट लगाना बंद कर देना तो 90% बॉयज के पोर्स ही खत्म हो जाएंगे। साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर। कमेंट करके बताना दोस्तों आपको कैसी लगी है मेरी रील्स। देन ये दोस्तों मेरे अभी नाव जो मैं रील्स अपलोड करता हूँ वो है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैं पहले रील्स अपलोड करता था। देन ये मेरा 1 ईयर अगो। जैसा दोस्तों आप लोग ने देखा कि मेरे व्यूज़ पहले कितने जाते थे और अभी कितने कम हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 100K व्यूज़, 1 मिलियन व्यूज़, 130K व्यूज़, ऐसे व्यूज़ जाते थे, पर अब वो व्यूज़ नॉर्मली 1000, 1000, 2000 या 250 व्यूज़ ही जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये सिर्फ इंस्टाग्राम, क्योंकि मेरा कंटेंट सेम था दोस्तों, मैं ट्रेंड के साथ हमेशा चलता, उस टाइम ऐसी ट्रेंड थी, इस टाइम ये ट्रेंड है। बट रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पर रील्स पर व्यूज़ बिल्कुल रुक गए, जा ही नहीं रहे, मतलब ना के बराबर है। तो जिसके कारण इंस्टाग्राम ने मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया, फ्रीज मतलब ब्रेक लगा दिया, मतलब मेरे रील्स वायरल नहीं हो रहे। लेकिन रिसेंटली मैं उसको अनफ्रीज करने जा रहा हूँ, आप लोग के सामने ही करने जा रहा हूँ। मैं ये अकेले करने के बाद आपको बताऊँगा तो अच्छा नहीं लगे, बट मैं रिसेंटली आपको समझ लो लाइव ही मैं ये वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको अनफ्रीज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम से डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ सेटिंग्स जो इंस्टाग्राम पे चेक कर लेने कि आपका पहले से ऑन है या नहीं। अगर वो ऑन नहीं है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कर पाएंगे। सिंपली आपको अपने 3 डॉट जो 3 आइकन पर उस पर क्लिक करके सेटिंग प्राइवेसी पर क्लिक कर देना। यहाँ से आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है शेयरिंग एंड रिमिक्स, इस पर जाना है। और यहाँ पे आपको जितने भी दिख रहे हैं वो सबको ऑन कर देना है, ये सेटिंग्स को सबको ऑन कर देना। अगर ये सब ऑफ रहेंगे या इनमें से सिंपली एक दो भी ऑफ रहेंगे तो शायद आगे आपका रिच कम होने के चांसेस रहेंगे, तो ये सब ऑन कर देनी है। ये सब ऑन करने के बाद जो आपको है इंस्टाग्राम को पर्सनली एक लेटर लिख के भेजना है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, उसको अनफ्रीज कर देना है। तो देन यहाँ से सिंपली आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके हेल्प वाला ऑप्शन दिख रहा है, हेल्प पर जाने के बाद रिपोर्ट अब प्रॉब्लम पर जाना है। रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे जाने के बाद यहाँ से आपको रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम विदाउट चेकिंग पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ से इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इंक्लूड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपको ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि हुआ क्या है, तो देन सिंपली टाइप कर देना है। ये टाइप करने के बाद इंस्टाग्राम जरूर आपके अकाउंट के 1 से 2 बार जरूर चेक करेगा कि हुआ क्या है। देन आपको दोस्तों ये तो आप सिंपल मेथड है, यहाँ से आपको सेंड कर देना है। सेंड मैं कर देता हूँ सिंपली। यहाँ से आपको सेंड करने के बाद जो सबसे सेकेंड मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपने ये तो कर दिया, इंस्टाग्राम को पर्सनली एक रिक्वेस्ट तो भेज दिया कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज है, उसको अनफ्रीज करना। पर इंस्टाग्राम अनफ्रीज क्यों करेगा? अगर आप इंस्टाग्राम पे डेली एक्टिव नहीं है, 2-2 या 3-3 महीने तक रील्स अपलोड नहीं करेंगे तो इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करेगा। आपको सिंपली 2 चीज़ों को बहुत ध्यान देना है कि आपको डेली स्टोरीज लगानी है अपने इंस्टाग्राम का। अगर डेली नहीं लगा सकते तो 2 दिन में 1 बार स्टोरीज लगाना, और 2 दिन में 2 से 3 स्टोरीज आपको ज़रूर लगानी। अगर आप डेली एक्टिव इंस्टाग्राम पे स्टोरीज नहीं लगाएंगे तो आपके स्टोरी व्यूज तो पहले से कम आते ही होंगे। पर्सनली अगर आपके 1000 फॉलोअर तो मिनिमम आपका 100 से ज्यादा व्यूज नहीं आते होंगे। हाँ, अगर रियल फॉलोअर्स है तो ज्यादा आपके व्यूज आएंगे। रियल फॉलोअर्स का मतलब है जो आपके फ्रेंड्स या एक्टिव फॉलोअर्स वो जरूर देखेंगे। बट मेरे 4000 फॉलोअर्स है बट मेरे व्यूज ऑलमोस्ट स्टोरी व्यूज 300-200 ऐसे ही आते, 4000 में ऑलमोस्ट 20% लोग भी नहीं देखते। तो इसी तरह इंस्टाग्राम पे अगर आप डेली स्टोरीज डालेंगे तो आपके स्टोरी व्यूज बहुत ज़्यादा चांसेस है, स्टोरी व्यूज बढ़ेगा और आपका रीच बढ़ेगा। और इंस्टाग्राम पे जो सेकंड चीज़ मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, आपको 1 दिन में 2 रील्स नहीं तो 2 दिन में 3 रील्स,
एक दिन में 2 रील्स नहीं कर सकते, तो 2 दिन में आपको 3 रील्स जरूर पोस्ट करने हैं। अगर आप अपने अगर रील्स पोस्ट नहीं कर सकते तो आपको 2 पिक्चर पोस्ट करनी है। बट आजकल पोस्ट पिक्चर्स कौन पोस्ट करे, ज़्यादातर लोग रील्स ही बनाते हैं। तो आपको ऐसा ट्राई करना है कि एक दिन में 2 रील्स जरूर डालना। अगर आप 2 रील्स नहीं डाल पाओगे तो इंस्टाग्राम भी आपके अकाउंट को अनफ्रीज करने से पहले सोचेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम कोई आदमी नहीं है जो आपके बारे में ज़्यादा सोचेगा, वो एक एल्गोरिदम से चलता है। तो एल्गोरिदम ही आपके अकाउंट को चेक करेगा कि इसके अकाउंट पे डेली रील्स अपलोड हो रहे हैं, स्टोरीज डाली जा रही है या नहीं। अगर आप डेली एक्टिव नहीं रहेंगे, स्टोरीज नहीं डालेंगे, रील्स अपलोड नहीं करेंगे, तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ऐसे का ऐसा फ्रीज रहेगा। मैंने बहुत गलतियाँ कर दी फ्यूचर में, मतलब पास्ट में मैंने बहुत गलतियाँ कर दी कि मैं डेली स्टोरीज नहीं डालता था, पोस्ट नहीं डालता। इसके वजह से मेरे इंस्टाग्राम पे अब भी जो व्यूज़ हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, मगर मैं पहले डेली रील्स डालता था। डेली बोले तो ऐसे लगातार 2 2 3 3 5 5 6 6 रील्स डाल देता था रोज के। इसकी वजह से मेरे पहले इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन हाईली व्यूज़ मेरे जो है वो 2 मिलियन गया, जो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पिन करके रखा। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि जो मेरे जो रील्स पे मेरे 2 मिलियन व्यूज़ गए थे। मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ तो यकीन ही नहीं करते कि 2 मिलियन व्यूज़ गए थे, बट रियली दोस्तों 2 मिलियन व्यूज़ गए थे। उसके बाद भी मेरा रील्स मोनिटाइजेशन हो गया है। पर अब जो नया जो बोनस वगैरह का इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन का नया ऑप्शन आएगा वो भी मुझे बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि मेरे रीच ऑलरेडी बहुत पहुंच चुके हैं। तो आप भी मोनेटाइजेशन वगैरह से कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम अकाउंट को अनफ्रीज करना कैसे कैसे करना है इसका मेथड मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर आप चाहें तो फिर से बैक करके वीडियो को जरूर देखना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।